हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? सर, स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल पे। राजस्थान संबंधित जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें राजस्थान जीके में जलवायु वाला जो पोर्शन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और इससे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में लगभग जलवायु से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम राजस्थान की जलवायु से संबंधित कुछ पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, राजस्थान की जो स्थिति है वो इस तरीके से है कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, पठार हैं, और मरुस्थलीय भाग भी हैं। राजस्थान को इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं अपन। ये बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जलवायु से संबंधित सवाल। तो देखिए, राजस्थान में मरुस्थल भी है, तो राजस्थान में अरावली भी है, तो राजस्थान में मैदानी भाग भी है, और राजस्थान में पठारी भाग भी है। इस तरीके से राजस्थान को बांट सकते हैं। अब देखिए, राजस्थान को इस तरीके से बांटने के बाद अपन ये देखते हैं कि राजस्थान की जलवायु जो है वो उसमें सबसे बड़ा भाग जो है वो किसका है? मरुस्थल का है। मरुस्थल का बड़ा भाग है, इसलिए राजस्थान की जलवायु को अपन क्या कह सकते हैं? शुष्क जलवायु कह सकते हैं। शुष्क जलवायु कहते हैं। सबसे पहली बात, जलवायु कहते किसको है? एक होता है मौसम, मौसम जो कुछ समय के लिए रहता है। जैसे कि मौसम एक दिन में भी परिवर्तन हो सकता है, जैसे सुबह बादल है और शाम को एकदम ठंड लगने लगता है ना, या फिर गर्मी है और शाम को बारिश आ जाए। इस तरीके से मौसम को बदला जा सकता है, बदल सकता है। पर जलवायु जो होता है कहीं पे भी एक स्थान पर अगर 30 वर्षों से अधिक, कितने वर्ष? 30 वर्षों से अधिक अगर कोई एक जैसा मौसम रहता है, मौसम की प्रधानता हो, किसी एक मौसम की प्रधानता हो, तो उसको क्या कहेंगे? उसकी जलवायु। राजस्थान में लगभग आप जानते हैं गर्मी सबसे ज्यादा रहती है, तो और मरुस्थल होने की वजह से क्या कहेंगे इसको? शुष्क जलवायु कह सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान की जलवायु को कौन कौन कारक जो है वो प्रभावित कर सकते हैं, ये देखिए। प्रभावित भी कर सकते हैं, कुछ कारक हो सकते हैं जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित कर सकते हैं। सबसे पहले कारक क्या हो सकता है? मरुस्थलीय विस्तार, है ना, इसको क्या कह सकते हैं? मरुस्थलीय विस्तार, है ना, या फिर इसको कह सकते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये राजस्थान की जलवायु को कैसे प्रभावित करता है? क्योंकि मरुस्थल है यानी कि डेजर्ट है, रेत है यहाँ पे बहुत सारी। रेत बहुत ज्यादा जल्दी ठंडी होती है और बहुत ज्यादा जल्दी गर्म भी हो जाती है। अच्छे से समझिएगा, बहुत ज्यादा जल्दी ठंड होती है, बहुत ज्यादा जल्दी गर्मी भी हो जाती है। इस वजह से क्या होता है कि, और ये क्या है, इस वजह से शुष्क होती है जलवायु। क्या हो जाती है? शुष्क हो जाती है। शुष्क हो जाती है यानी कि जो उसकी जलवायु है उसके अंदर पानी के कम कण जो होते हैं वो बिल्कुल कम होते हैं, आर्द्रता जो है बिल्कुल कम होती है, आर्द्रता जो होती है बिल्कुल कम होती है। तो ये एक जलवायु को, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने का मुख्य कारण है। दूसरा देखिए, अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला की स्थिति देखिए, ये अरावली पर्वतमाला अपने, ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, यानी कि उत्तर पूर्व से लगाकर दक्षिण पश्चिम तक होता है, दक्षिण पश्चिम तक है। इसलिए जो बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी पवन है और अरब सागर से आने वाली मानसूनी पवन है, ये पश्चिमी राजस्थान में पर्याप्त वर्षा नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से, अरावली पर्वतमाला की वजह से। इस वजह से क्या होता है कि ये आधे से ज्यादा वाला पार्ट तो है, लगभग कितने जिले आते हैं इसमें? लगभग 12 जिले आते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि मरुस्थलीय राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश जो है उसमें कितने जिले आते हैं? 12 जिले आते हैं, ठीक है। तो ये मेजर पार्ट है, मेजर पार्ट, तो वो मेजर पार्ट बारिश से रह जाता है। तो ये मरुस्थलीय पार्ट है, इसलिए ये राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है। तो अपन क्या कह सकते हैं? अरावली की स्थिति, है ना, ये कह सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तीसरी बात, तीसरी बात और क्या हो सकती है? तीसरी बात क्या होती है? जैसे मान लो ये है कर्क रेखा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कर्क रेखा जो है राजस्थान की कहाँ दक्षिण से होके जा रही है, जो कि डूंगरपुर को टच करती है और कुशलगढ़ से यानी कि बांसवाड़े से होकर गुजरती है।
एक जगह तो कर्क रेखा दक्षिण में इस तरीके से जा रही है, एक जगह तो सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, और एक जगह सूर्य की कितनी तिरछी किरणें पड़ती है, बिल्कुल तिरछी किरणें पड़ती है। इस वजह से अक्षांशीय स्थिति जो है यहाँ की गर्मी में और यहाँ की गर्मी में डिफरेंस हो जाता है, यहाँ की गर्मी में डिफरेंस हो जाता है, तो तापांतर होने लग जाता है, तापांतर होने लग जाता है। तो ये भी एक स्थिति है जो कि जलवायु को प्रभावित करती है, तापांतर। ठीक है, ठीक है, या फिर इसको क्या कह सकते हो, अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय स्थिति। ठीक है, एक ये कारक हो सकता है, और क्या कारक हो सकता है सोचिए, और ये कारक हो सकता है जैसे मरुस्थलीय, मरुस्थल जो पार्ट होता है, रेत जितनी ज्यादा गर्म होती है उतनी ज्यादा ठंडी हो जाती है, उसी उसी प्रकार पानी जो है ना तो ज्यादा जल्दी गर्म होता है ना ही ज्यादा जल्दी ठंडा होता है, इसलिए समुद्र तल जिसको अपन मान सकते हैं अरब सागर, क्या मान सकते हैं अरब सागर, ये एग्जाम में पढ़ के देखिएगा दोस्तों, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अरब सागर से राजस्थान की दूरी जो है वो भी बहुत दूर है, इसलिए क्या है कि इसका प्रभाव जो है यानी कि समुद्री प्रभाव जो है इसके ऊपर नहीं पड़ पाता। आगे बात समझ में, ये पार्ट भी हो सकता है, क्या है, समुद्र तल से दूरी है ना, या फिर इसको मान लो समुद्र से दूरी, मान लो समुद्र से दूरी, आ गया समझ में, इस तरीके से हो सकता है। और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि कहीं तो बड़े बड़े पठार हैं और कहीं बिल्कुल सपाट मैदान है, कहीं बिल्कुल सपाट मैदान है, मरुस्थल है, तो राजस्थान की यूं कह सकते हो उच्चावच, उच्चावच है ना, उच्चावच्ची स्थिति है ना, इस तरीके से राजस्थान की जलवायु को बांट सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब राजस्थान की जलवायु में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि राजस्थान की जलवायु शुरू करने से पहले राजस्थान में जो ऋतुएं हैं उनके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। राजस्थान में ऋतुओं का वर्गीकरण, ठीक है, मुख्य से अपन तीन ऋतु मानते हैं, तीन ऋतु है, कौन सी ऋतुएं होती है, तीन, ग्रीष्म ऋतु, दूसरी कौन सी ऋतु होती है, दूसरी कौन सी ऋतु होती है, वर्षा ऋतु, और तीसरी कौन सी ऋतु होती है, तीसरी ऋतु होती है शीत ऋतु। अब राजस्थान में इससे ये तीन महत्वपूर्ण ऋतु मान सकते हैं। शीत ऋतु को दोबारा दो भागों में बांटा जा सकता है, ये क्या मैं पूछा गया क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ कैसे पूछा था। शीत ऋतु को दोबारा दो भागों में, एक होता है मानसून का प्रत्यावर्तन काल, और एक होता है शीत ऋतु, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु को अपन मेनली कब मानते हैं, ग्रीष्म ऋतु को मान लो आप मार्च से मध्य जून तक, ठीक है, ध्यान से समझना, मार्च से मध्य जून तक। वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु को कब मानो, इसके आगे मान लो, यानी कि मध्य जून से सितंबर, ठीक है, और शीत ऋतु को आप मान लो अक्टूबर से फरवरी तक, इस तरीके से आप मान सकते हो, मार्च से मध्य जून से सितंबर, अक्टूबर से फरवरी। अब ये जो मैंने आपको दो भाग बताया था, ठीक है, मानसून का प्रत्यावर्तन काल ये होता है अक्टूबर से दिसंबर, और शीत ऋतु पड़ती है जनवरी से फरवरी, ठीक है, ये दो भागों में इस तरीके से अपन बांट सकते हैं। ठीक है, ये देख लेना ध्यान से, इसमें इसमें
से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 90% क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा एग्जाम में, 90% बारिश जो है किस समय में होती है, ठीक है। तो 90% राजस्थान में 90% बारिश बारिश के मौसम में ही होती है, ठीक है, मार्च से मध्य जून तक। अब पढ़ते हैं अपन ग्रीष्म ऋतु। ये आपको समझ में आएगी राजस्थान के रेस्पेक्ट में किस तरीके से ऋतुओं का वर्गीकरण होगा। देखिए ये जैसे अपनी पृथ्वी है, ठीक है, ये क्या है अपनी पृथ्वी, ये मध्य रेखा है 0 डिग्री, है ना, 0 डिग्री वो मध्य रेखा। यहां कौन सी है, मकर रेखा, यहां कौन सी है, कर्क रेखा, जो कि राजस्थान से होकर गुजरती है 22 दिसंबर के दिन, 22 दिसंबर के दिन सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है, 22 दिसंबर के दिन सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। अब सूर्य की स्थिति उत्तरायण की तरफ होती है, नॉर्थ पोल इधर है ना, उत्तरायण की तरफ होती है, ऊपर जाता है, ऊपर जाते जाते यहां पे 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, 21 मार्च को कहां, भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, फिर ऊपर जाता है ऊपर जाकर कहां पे, यहां पे कर्क रेखा पर, कब, 21 जून को सीधा चमकता है, ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको, है ना। मकर रेखा से ऊपर जाना 21 मार्च पे आया, फिर यहां पे अपना राजस्थान है, ठीक है, यानी कि राजस्थान में ये कर्क रेखा जा रही है, ठीक है, कर्क रेखा के ऊपर, कर्क रेखा के यहां 21 जून को सूर्य सीधा चमकेगा, यानी कि सबसे लंबा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, सबसे लंबा। अब बताइए 21 जून को और क्या आता है, 21 जून को योगा दिवस भी होता है, ठीक है, चलिए ये एक्स्ट्रा जानकारी थी। तो ये यहाँ पे सर्वाधिक सीधी किरणें राजस्थान पे गिरेगी 21 जून को, ठीक है। जैसे जैसे सन जो है उत्तरायण में आएगा, वैसे वैसे राजस्थान में गर्मी बढ़ती जाएगी, है ना, जैसे अभी गर्मी का मौसम आने वाला है, तो इस तरीके से गर्मी बढ़ती जाएगी। अब क्या होगा, गर्मी बढ़ने की वजह से, क्योंकि राजस्थान का अधिकांश भाग क्या है, मरुस्थल है, ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जितनी जल्दी ठंडी होती है रेत, उतनी ही जल्दी गर्म भी होती है, तो ये गर्म होने की वजह से, ये क्या, गर्म होने की वजह से पूरा राजस्थान क्या है, तपता है, क्या होता है, तपता है, भयंकर जो है गर्मी राजस्थान में पड़ने लगती है, ठीक है। इस तरीके से राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, वायु जो होती है, वायु जब 22 दिसंबर से आ रही है, वो वायु क्या होगी, ठंडी होगी, क्योंकि सन की रेस पड़ने की वजह से वायु क्या होने लग जाती है, विरल होने लग जाती है और ऊपर उठती है, ठीक है, तब तेज हवा और आंधियां चलती है, तेज हवा और आंधियां चलती है। क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां कहाँ चलती है, तो राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां कहाँ चलती है, श्री गंगा नगर में, यहाँ लिखेगा सर्वाधिक आंधियां कहाँ चलेगी, श्री गंगा नगर में, तो वहीं सबसे कम आंधियां कहाँ चलेगी, झालावाड़, कहाँ चलेगी, झालावाड़ में, ठीक है, ये आपको आ रहा है समझ में, ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु को इस तरीके से बांट सकते हैं, क्या होता है, आंधियां चलती है तो रेत जो है, तो हवा जो है वो क्या होती है, इस तरीके से ऊपर उठती है, ठीक है, तो इस तरीके से ऊपर उठती है, तो उसको राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं, बबुल्या। क्या होता है बबुल्या का मतलब, बबुल्या का मतलब ये होता है कि
गर्मी के मौसम में हवाएं जो हैं गर्म होके ऊपर उठने लगती है, ऊपर उठने की वजह से क्या होता है, बबूलिया बनता है, इसको बबूलिया कहते हैं। ठीक है, अगली बात समझ में। तो राजस्थान में फिर यहाँ पे ये देखो, ये क्या है, चूरू। चूरू जो सबसे ज्यादा तपता है, क्यों, क्योंकि वहां पर वनस्पति सबसे कम है। ठीक है, ध्यान रखने का, वनस्पति जो है वो उसका क्षेत्रफल में वो बहुत कम है, तो चूरू में सर्वाधिक गर्मी पड़ेगी। ठीक है, तो जहां सर्वाधिक गर्मी पड़ती है वहां सर्वाधिक ठंड भी वहीं पड़ती है। ठीक है, तो चूरू में ये चीज पड़ेगी। आर्द्रता सबसे कम हो जाती है ना। इसी के साथ जोधपुर का क्या है, फलोदी। फलोदी ये सर्वाधिक क्या हो जाता है, शुष्क हो जाता है, सर्वाधिक शुष्क स्थान है जोधपुर का फलोदी। है बात समझ में, ठीक है, इस तरीके से जोधपुर का फलोदी सर्वाधिक शुष्क स्थान है, तो चूरू में जो है सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, सर्वाधिक गर्म स्थान है चूरू। इसी के साथ जैसलमेर में दैनिक तापांतर, दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है ना। जैसे कि सुबह तो गर्मी पड़ रही है और रात को वहां पे रजाई वगैरह लेके रहनी पड़ती है, तभी अपन दे पाते, बाकी रह नहीं पाते। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दैनिक तापांतर कहाँ होने लग जाता है, जैसलमेर। भयंकर गर्मी पड़ती है, भयंकर गर्मी पड़ने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे आग जैसा माहौल बन जाता है और मरुस्थल होने की वजह से वो आग और ज्यादा फैलती है। ठीक है, जंगल में आग लगने को क्या कहते हैं, जंगल में आग लगना, ये एक्स्ट्रा है, जंगल में आग लगने को कहते हैं दावानल। दावानल, ठीक है, हिंदी भी आपकी कवर हो जाएगी साथ साथ। ठीक है, जंगल में आग लगने को क्या कहते हैं, दावानल। सही बात समझ में। तो ये थी अपनी ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु है ना, जो कि राजस्थान में सर्वाधिक लंबी चलती है, ये मान के चलो सर्वाधिक लंबी चलती है और सर्वाधिक प्रभावित भी राजस्थान को ग्रीष्म ऋतु ही करती है। अब बात करते हैं वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु। ठीक है, वर्षा ऋतु को सबसे ज्यादा प्रभावित क्या करता है, वनस्पति करती है। जैसे मैंने एक प्रभावित जो कारक बताया था उसके अंदर आप वनस्पति भी ऐड करना, क्योंकि राजस्थान में वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। ठीक है, वो भी अपनी जलवायु को प्रभावित करती है, क्योंकि जितने ज्यादा वन होंगे उतनी ही ज्यादा आर्द्रता होगी। ठीक है, और क्योंकि वन कम है इसलिए आर्द्रता नहीं है, तो शुष्क जलवायु मान के चलते हैं। ठीक है, ये जैसे राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान में अरावली की स्थिति देखो, अरावली की स्थिति मैंने क्या बताई थी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक होती है। अब मैं एक चीज दिखाना भूल गया था उसके अंदर, एक चीज सुनो, ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में आंधिया चलती है। ठीक है, जो सर्वाधिक गर्म हवा चलती है, ठीक है, उसको अपनी स्थानीय भाषा में तवा या लू कहते हैं, क्या कहते हैं, लू। ठीक है, और तेज गर्जना के साथ, तेज गर्जना के साथ में जो हवा चलती है उसको क्या कहते हैं, पर्डा, क्या कहा जाता है, पर्डा। ये चीज ध्यान रखना, ये पूछी जाती है, तेज गर्जना के साथ गर्म हवा जो चलती है उसको क्या कहते हैं, पर्डा, क्या कहते हैं, पर्डा। इसी के साथ जो बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं आती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, पूर्वाई। पूर्वाई, पूर्व से चल रही है, ये पूर्व है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है और ये क्या है, पश्चिम है। पूर्व से आती है उसको क्या कहते हैं, पूर्वाई। ठीक है, और पश्चिम से जो हवा आती है उसको क्या कहते हैं, पश्चिम। पश्चिम, ठीक है, पश्चिम। उत्तर से जो हवा आती है उसको क्या कहते हैं, धराव। धराव, ये चीज नोट करना, एग्जाम से पूछ सकते हैं। ठीक है, पश्चिम से जो हवा आती है उसको पश्चिम कहते हैं। ठीक है, पूर्व से जो हवा आती है उसको पूर्वाई कहते हैं, उत्तर से जो हवा आती है उसको धराव कहते हैं। दक्षिण पश्चिम से जो हवा आती है उसको क्या कहते हैं, समदरी। समदरी, ठीक है, समदरी। इधर से जो हवा आती है उसको क्या कहते हैं, चील।
ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, चील, ठीक है। और इधर से जो हवा आती है उसको क्या कहते हैं, संजेरी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, आजकल अपन कह नहीं सकते कि क्या पूछ रहे हैं, तो ये भी पूछे जा सकते हैं कि उत्तर पूर्व से जो हवा आती है उसको क्या कहते हैं, दक्षिण पूर्व से जो हवा आती है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से जो अपन हवाओं को भी बांट सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, लू क्या होती है, सर्वाधिक गर्म हवाएं चलती है, तेज हवाएं चलती है गर्मी के मौसम में, उनको क्या कहते हैं, लू। और वो तवे की तरह तप्त होती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, तवा। तेज गर्जना के साथ में चले तो वो क्या कहते हैं, अर्दाव। और वाष्प के साथ, वाष्प के साथ चले तो उसको क्या कहते हैं, जाला, क्या कहते हैं, जाला, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, भले वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपन वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु की बात करें तो ये राजस्थान है, होप सो कि आपको समझ आ रहा होगा, ये राजस्थान है। राजस्थान में अरावली की स्थिति, राजस्थान में अरावली की स्थिति कैसी है, किस तरीके से है, ठीक है। अरावली की स्थिति इस तरीके से है, तो क्या होता है, यहाँ राजस्थान में वर्षा ऋतु, राजस्थान में वर्षा ऋतु कैसे बांट सकते हैं, तीन तरीके से राजस्थान में वर्षाएं हो सकती है, ठीक है। तीन तरीके से, कौन कौन सा तरीका हो सकता है, पहला जो बंगाल की खाड़ी का मानसून है, बंगाल की खाड़ी का मानसून, ठीक है। दूसरा क्या है, जो अरब सागर का मानसून हो, ठीक है। तीसरा क्या है, जब भूमध्य सागर, ये वैसे शीत ऋतु में आती है पर क्योंकि बारिश बता रहा हूँ इसलिए ये इसको ऐड कर रहा हूँ, बाकी वर्षा ऋतु में ये नहीं आती है, ये शीत ऋतु में आती है, वर्षा ऋतु केवल बंगाल की खाड़ी और अरब सागर जो है ये आते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है, शीत ऋतु, शीतकाल में क्या होता है, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, वर्षा ऋतु में भूमध्य सागर में क्या होता है, चक्रवात चलते हैं, ठीक है, तो विक्षोभ उत्पन्न होता है, ठीक है। ये विक्षोभ जो है राजस्थान की तरफ बढ़ता है, बलूचिस्तान होते हुए राजस्थान पहुंचता है और राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान जो है अरावली पर्वतमाला के पश्चिम, इस यहाँ पे क्या करता है, वर्षा करता है, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान में क्या करता है, वर्षा करता है, जिसको मावट कहते हैं, क्या कहते हैं, मावट कहते हैं। तो अब मेरे को बताओ, मावठा झील का स्थिति, ठीक है, इसको मावट कहते हैं ना, मावठा झील है, आमेर का जो दुर्ग है ना उसके नीचे वाली झील है, उसको मावठा झील कहते हैं, ठीक है। शीत ऋतु में होने वाली जो वर्षा होती है उसको क्या कहते हैं, मावट। उस समय कौन सी फसल ली जाती है, रबी की फसल हो रही होती है, इसलिए रबी की फसल के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, गोल्डन ड्रॉप्स, क्या कहा जाता है इसको, गोल्डन ड्रॉप्स। अगली बात समझ में, ठीक है, इस तरीके से अपन इसका वर्गीकरण कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है वो बंगाल से उत्पन्न होता है, बंगाल खाड़ी से उत्पन्न होता है और राजस्थान तक आता आता धीरे धीरे क्षीण बनने लगता है, ठीक है। परंतु अरावली की स्थिति देखिए, अरावली की स्थिति इस तरीके से होने की वजह से ये अरावली की यहाँ पे टकराता है और पूर्वी राजस्थान, हाड़ौती और दक्षिणी राजस्थान में यहाँ पे बारिश करता है, ठीक है, मेरी बात समझ में। परंतु पश्चिम वाला जो पार्ट है वो उससे सूखा रह जाता है, ठीक है, पश्चिम वाला पार्ट जो है सूखा रह जाता है। अगर अगर अरावली पर्वतमाला की स्थिति इस तरीके से होती तो आज राजस्थान में वर्षा होती, बहुत वर्षा होती, गणगौर वर्षा होती और राजस्थान में वनस्पति की कोई कमी नहीं थी। परंतु अरावली पर्वतमाला की स्थिति इस तरीके से होने की वजह से पश्चिमी राजस्थान जो है सूखा रह जाता है और
बंगाल खाड़ी का मानसून जो है यही वर्षा कर लेता है। ध्यान रखिएगा राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा जो है वो बंगाल की खाड़ी का मानसून, बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। होप तो आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा जो है किस मानसून से होती है? अरब सागर के मानसून से, बंगाल की खाड़ी के मानसून से? तो बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। अब बात करें अरब सागर की, तो अरब सागर से जो हवाएं उठती है, ठीक है, क्योंकि स्थिति अरावली पर्वत माला की इस तरीके से, तो इसके समानांतर चली जाती है, रुकावट कहीं हो नहीं रही है, तो इसके समानांतर चली जाती है। समानांतर जाने की वजह से ये सीधे हिमाचल प्रदेश के कौन सा है, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जाके वहां पे बारिश करती है। राजस्थान में इसकी बारिश नहीं हो पाती है, केवल कुछ दक्षिणी राजस्थान है, कुछ जगह है जैसे डूंगरपुर, मांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा है, यहाँ पे ये बारिश होती है, इसके अलावा बारिश नहीं हो पाती, ठीक है। तो ये वर्षा ऋतु में तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी। मावट, ठीक है, शीतकाल में होने वाली बारिश होती है, उसको मावट कहा जाता है, ठीक है। ये हो गई आपकी वर्षा ऋतु। अब बात करते हैं शीत ऋतु, ठीक है। वर्षा का वितरण आपको समझ में आ रहा है, वर्षा का वितरण किस प्रकार से होगा। अब बात करते हैं अपन शीत ऋतु, शीत ऋतु को जैसे मैंने आपको बताया था दो भागों में बांटा जाता है। एक तो होता है मानसून का प्रत्यावर्तन काल, इससे सवाल पूछे जाते हैं मानसून का प्रत्यावर्तन काल किस समय होता है। मानसून का प्रत्यावर्तन काल होता है अक्टूबर से दिसंबर, और बाकी क्या बचा हुआ था, शीतकाल, जो ओरिजिनल शीतकाल होता है ना, शीतकाल जो कि बचा हुआ जनवरी से फरवरी। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, जैसे कि ये अपनी पृथ्वी है, ठीक है, ये अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी पे ये भूमध्य रेखा है और ये कर्क रेखा। इस समय तक क्या था, सन यहाँ था, अब धीरे धीरे सन का क्या हो जाता है, दक्षिणायन हो जाता है, दक्षिणायन हो जाता है तो वो कहाँ चला जाता है, मकर रेखा पर आ जाता है, कहाँ जाता है, मकर रेखा पर, वही सिस्टम वापस मकर रेखा पर, 22 दिसंबर जो कि सबसे छोटा दिन होता है और सबसे लंबी रात होती है, सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात, ठीक है, तब यहाँ पे शीत ऋतु होती है। मानसून का प्रत्यावर्तन काल को कहते हैं लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून, ठीक है। इस समय लौटते हुए मानसून में क्या होता है, अक्टूबर से दिसंबर है, इस समय बहुत खराब गर्मी पड़ती है, क्यों, क्योंकि क्या होता है उस समय आसमान में होते हैं बादल, ऊपर होता है सूर्य, सूर्य अपनी किरणें भेज रहा होता है, ठीक है, सूर्य अपनी किरणें भेज रहा होता है, और यहाँ क्या होती है पृथ्वी, तो ये भाप की पेटी की तरह अपना राजस्थान तपता है, भाप की पेटी बन जाता है, ठीक है। इस वजह से ये लौटता हुआ मानसून है तो उसकी जो गर्मी पड़ती है ये वाली भाप वाली, तो उसको कहते हैं आसोज की गर्मी, क्या कहते हैं, आसोज की गर्मी, ये बहुत दुखदायी होती है, सीधी गर्मी नहीं होती, भाप वाली गर्मी होती है, इसलिए ज्यादा दुखदायी होती है, ठीक है। लौटता हुआ मानसून मानसून का प्रत्यावर्तन काल, ठीक है, ये आपको समझ में आया किस तरीके से। अब आगे देखिएगा, सबसे ठंडा महीना राजस्थान का कहलाता है कौन सा, जनवरी जो सबसे ठंडा महीना होता है, ठीक है। राजस्थान में वर्षा की बात रह गई थी, तो राजस्थान में वर्षा सबसे ज्यादा कहाँ होती है, झालावाड़ जिले में, कहाँ होती है, झालावाड़ जिले में, है ना। और अगर जिले की बात की जाए न्यूनतम, ये सर्वाधिक अगर बात की जाए न्यूनतम की, तो न्यूनतम कहाँ होती है जैसलमेर, ठीक है। अगर स्थान की बात की जाए
तो वो स्थान क्या होगा? माउंट आबू, माउंट आबू, ठीक है। और अगर स्थान की बात की जाए, न्यूनतम है, सर्वाधिक के बाद न्यूनतम है, तो वो स्थान क्या होगा? सब, ठीक है, क्या होगा? सब, ठीक है। इस तरीके से अपन बांध, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं शीत ऋतु की। तो शीत ऋतु में अब तक अपन क्या पढ़ गया था? मानसून का प्रत्यावर्तन काल, जो कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होता है, और शीतकाल, जो कि जनवरी से फरवरी के बीच में होता है। जनवरी राजस्थान का सबसे ठंडा महीना माना जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं। 22 दिसंबर का दिन जो होता है, वो जो होता है सबसे छोटा होता है, और रातें जो होती है सबसे लंबी होती है 22 दिसंबर में, ठीक है। इस प्रकार शीत ऋतु, क्योंकि मैंने आपको बताया था राजस्थान की स्थिति में क्या है, मरुस्थल पड़ रहा है, तो जितना जल्दी ये ठंडा होता है उतना ही जल्दी ये गर्म भी होता है। तो गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी देता है और ठंड में बहुत ज्यादा ठंड देता है। इस वजह से राजस्थान में शीतकाल भी कभी कभी क्या होता है, फतेहपुर सीकर में, ना, सीकर में फतेहपुर, ठीक है। इसके अलावा क्या है, माउंट आबू, माउंट आबू के नक्की झील, ये यहाँ पे बर्फ पड़ने लग जाती है, 0 डिग्री चला जाता है, 0 डिग्री से नीचे तो नहीं जाता हालांकि, पर 0 डिग्री चला जाता है। और नक्की झील होती है, ये कई बार जम जाती है। राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जो जमती है, ठीक है, बाकी झीलें जमती नहीं है, ठीक है। इसके बारे में और बता देता हूँ, ठीक है। माना जाता है कि ये देवताओं ने अपने नाखूनों से इसका निर्माण किया था। इसके अलावा यहाँ पे ये सबसे ऊंची झील है, राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। इसके अलावा क्या बता सकता हूँ इसके अंदर में, यहाँ पे टॉड रॉक, नन रॉक, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो टॉड रॉक और नन रॉक भी यही है, ठीक है। तो ये राजस्थान की वर्षा ऋतु के बारे में मैंने आपको बताया था। राजस्थान की जलवायु को व्लादिमीर कोपेन और ट्रीवार्था और थार्नडाइक ने किस प्रकार से बांटा, ये मैं आपको बताऊंगा कि कोपेन ने वनस्पति अपना आधार रखा, ट्रीवार्था ने वर्षा की मात्रा और वनस्पति को अपना आधार रखा, और थार्नडाइक ने भी अपने आधार वनस्पति को रखा। तो इन्होंने किस तरीके से बांटा, और बहुत जल्दी अपन उसको समझ पाएंगे, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको, क्योंकि ये वीडियो काफी बड़ी होती जा रही है, इसलिए आप भी बोर हो जाएंगे, तो बोर नहीं होना है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको ये तीनों बता दूंगा, ये तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये तीनों से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, पटवारी हो चाहे RS हो, उनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फटाफट अपन इनको लर्न करेंगे, किस तरीके से लर्न करेंगे वो मैं पार्ट 2 में बताऊंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।